हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल, और इसमें बात करेंगे ड्रग डेवलपमेंट टीम, नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, फार्माकोलॉजी, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी। इस इतने आज टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बात करते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल। किसी भी ड्रग के अप्रूवल के लिए कौन कौन से रेगुलेटरी जो हैं हमें रिक्वायर होती हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में ही जानेंगे। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आप किसी ड्रग की, किसी न्यू ड्रग की आपने खोज किया, तो आपने उस ड्रग को खोज करने के बाद सीधे क्या करेंगे, मार्केट में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ एप्लीकेशन बनने रहते हैं, कुछ फॉर्म बनने रहते हैं और कुछ कुछ अप्रूवल लेने रहते हैं किसी किसी से, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई न्यू ड्रग खोजा, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले आपकी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। अथॉरिटी लेने के लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्म भर, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जिसको बोलते हैं NDA, जिसको बोलते हैं हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन। उस फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करने के बाद देखेंगे उसमें आपका रिजल्ट कैसा आएगा। तब उसके बाद आपको प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या नाम है अथॉरिटी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको क्लिनिकल के लिए अथॉरिटी मिलेगी, तब उसके बाद कहीं आप क्या करेंगे ड्रग मार्केट में ला सकेंगे, ठीक है। तो यही सब पढ़ेंगे इसमें। तो देख लीजिए क्या है, ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इज रेगुलेटरी प्रोसीजर। जो हमारा ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है एक प्रकार का रेगुलेटरी प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि थ्रू विच ए पर्सन स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन गेट अप्रूवल। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग को अप्रूवल देने का काम कौन करता है, एक स्पॉन्सर बोल सकते हैं, एक पर्सन है, एक ऑर्गेनाइजेशन कि यह क्या करता है कि गेट अप्रूवल टू प्रमोट ए ड्रग इन मार्केट। यह क्या करता है कि एक अप्रूवल देता है कि इस अप्रूवल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपने ड्रग को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जनरली ये ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन्वॉल्व मेनी स्टेजेस लाइक। तो किसी भी ड्रग के अप्रूवल के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे स्टेज होते हैं, क्या क्या करना रहता है उसमें देखते हैं। इसमें पहला क्या करना रहता है, एप्लीकेशन फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल। पहले हमें क्या करना रहता है, हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल। फिर उसके बाद हम क्लिनिकल ट्रायल क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अप्रूवल एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग ऑफ ड्रग। फिर हम क्या करेंगे, मार्केट में ड्रग को लाने के लिए, उसके लिए अप्रूवल के लिए भी हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, एंड पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज। फिर उसके बाद हम मार्केट के बारे में स्टडीज करेंगे, ठीक है। फिर अगले पॉइंट की हम बात करें तो ऑल कंट्रीज हैव देयर ओन रेगुलेटरी एजेंसीज। जो कुछ जो सभी कंट्री होती हैं उनके पास स्वयं की जो होती हैं रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, ठीक है, उनके पास खुद की एक रेगुलेटरी एजेंसी होती है। डेट इम्प्लांट दैट रूल, वह क्या करती हैं, खुद का रूल बनाती हैं, एंड रेगुलेशन, वह क्या करती हैं, खुद का रूल बनाती हैं और खुद का रेगुलेशन बनाती हैं, ठीक है, एंड पास गाइडलाइन, और वह खुद ही गाइडलाइंस को पास करती हैं फॉर कंट्रोलिंग द मार्केटिंग ऑफ ड्रग। जो मार्केट में ड्रग है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो एवरी कंट्री हैज़ फॉलो डिजायर रेगुलेटरी। जो सभी कंट्रीज होती हैं वह क्या करती हैं, वेरियस टाइप की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए, वह क्या करती हैं, खुद उसको फॉलो करवाने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ हिंदी में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, यहाँ से इसको आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसमें देखिए लिखा गया, अगर आप किसी भी ड्रग नई ड्रग की खोज किए हैं तो सबसे पहले आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अथॉरिटी लेने के लिए तो उसके लिए आपको NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन एक फॉर्म आता है, उसको फिल करना पड़ेगा। फिर क्या होता कि वही सब उस फॉर्म में फिल करना है जो रिजल्ट आपको प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौरान आया था, ठीक है, आप कोई झूठा इसमें नहीं फिल कर सकते,
ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको तीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पहला हमारा क्या रहेगा, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो अप्रूवल मिल जाएगा। अगर वहाँ पे अगर आपका अप्रूवल अगर आपका सही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पहले से अप्रूवल मिला है तो उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे इसमें मिलता है आपको। पहले क्या करेंगे, हम किसी ड्रग की डिस्कवरी करेंगे। डिस्कवरी करने के बाद क्या करेंगे, उस ड्रग का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, ठीक है। पहले प्री क्लिनिकल्स होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल जो होते हैं, अभी मैं आगे उसको बताऊंगा। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं एनिमल्स पे होते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं ह्यूमन पे होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स भी जो अलग अलग फेजेज में होता है, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, इतने फेज में हमारा क्लिनिकल ट्रायल भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ मार्केटिंग अप्लीकेशन। फिर उसके बाद एक मार्केटिंग अप्लीकेशन आता है, कि इससे क्या करते हैं कि आप ड्रग क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा आपको अप्रूवल मिल जाएगा कि आप ड्रग क्या कर सकते हैं, अपना ड्रग मार्केट में ला सकते हैं, ठीक है। तो यही था। फिर अब बात करेंगे ड्रग ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। जो इंडिया में कौन कौन से किसी भी ड्रग के, किसी न्यू ड्रग के अप्रूवल के लिए कौन कौन से प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेंट है, ठीक है, एप्लीकेंट क्या करेगा, पहले दो टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। पहला हमारा आता है इसमें एप्लीकेशन टू इथिकल कमेटी, पहला फॉर्म जो है इथिकल कमेटी को भरा जाएगा। फिर दूसरा जो फॉर्म रहेगा IND एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो CDSCO, ठीक है, इसके लिए, इसके हेडक्वार्टर पे एक फॉर्म जो होता है इसके लिए भरा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन बाय न्यू ड्रग डिवीजन। फिर क्या होता है कि जो न्यू ड्रग है, ठीक है, इसका क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसकी जांच की जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि डिटेल रिव्यू बाय द IND कमेटी। IND का मतलब है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, उसका रिव्यू भेजेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, रिकमेंडेशन टू DCGI। DCGI का मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो इस टाइम हमारे डॉक्टर VG सोमनी हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। फिर इसको भेजा जाता है। फिर क्या होता है कि फिर जो IND एप्लीकेशन है, फिर इसको क्या करता है, अप्रूवल देता है कि क्लिनिकल ट्रायल आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा एप्लीकेशन इथिकल कमेटी है, यह क्या करेगा, रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट आप इथिकल कमेटी को, ठीक है। यह क्या करेगा, अगर आपका 12 वीक में अगर आपका यह पॉजिटिव है, तब आप ही इसके आगे क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन टू CDSO। फिर क्या करते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, CDSO के पास जाते हैं, ठीक है। अगर आपका जो यह सब अगर कंप्लीट है, ठीक है, अगर आपका कंप्लीट है तो रिव्यू बाय DCGI, तो इसका रिव्यू आप क्या क्या करेंगे, DCGI को भेज सकते हैं, ठीक है। अगर अगर कंप्लीट है तो इसके द्वारा आपको लाइसेंस जो होते हैं ग्रांटेड हो जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर इसको आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर आप सभी प्रोसेस को करिए, तब आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा जो आता है ड्रग डेवलपमेंट टीम, ठीक है। कौन कौन से ड्रग डेवलपमेंट में कौन कौन से टीम आते हैं, ठीक है। तो हमारे न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए जो होते हैं, इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें कुछ जो होते हैं गवर्नमेंटल भी होते हैं, कुछ प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, किसी भी न्यू ड्रग के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हमारा पहला है इसमें लिखा है DNDI, जिसको हम बोलते हैं ड्रग फॉर निगलेक्टेड डिजीज इनवाइटेड। ये हमारी एक प्रकार की जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा आता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिसर्च एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जिसको हम EORTC बोलते हैं। एंड हमारा अगला है वन वर्ल्ड हेल्थ एंड द ग्लोबल एलियंस फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, जिसको ट्यूबरकुलोसिस मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने TB लिख दिया, ड्रग डिपार्टमेंट। ये सब हमारे जो होते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे ड्रग डेवलपमेंट के टीम हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं न्यू ड्रग
आर डेवलप्ड बाय द ड्रग डेवलपमेंट टीम। जो न्यू ड्रग का डेवलपमेंट होता है यह किसके द्वारा होता है? ड्रग डेवलपमेंट टीम के द्वारा होता है। डेट आर द असिस्ट बाय द इफिशियंट डिपार्टमेंट लाइक क्लिनिकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट और टॉक्सिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ड्रग डिपार्टमेंट टीम आर रेगुलेटरी विद द एस्डेमिक एंड द इंडस्ट्रियल एडवाइजर एंड द इम्पोर्ट ओपिनियन लीडर हु असिस्ट इन द डिसीजन मार्केटिंग प्रोसेस। ये सब मतलब जो डिपार्टमेंट होते हैं न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए, ये सब हमारे क्या हैं? एक प्रकार के टीम हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से टीम है, ज़्यादा ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कौन कौन से टीम है, यही सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ टीम के नाम लिखे गए हैं। ड्रग डेवलपमेंट टीम कौन कौन सी है? पहला हमारा रेगुलेटरी अफेयर टीम, मैन्युफैक्चरिंग टीम, लीगल टीम, मैनेजमेंट टीम, क्लिनिकल रिसर्च टीम, ठीक है, हमारा प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट टीम और डिस्कवरी टीम। ये सब हमारे क्या हैं? ड्रग डेवलपमेंट टीम है। ठीक है, और आपको पता होगा किसी भी ड्रग के डेवलपमेंट के लिए लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं, इसलिए इसमें मोर नंबर ऑफ टीम जो होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टीम क्या करते हैं? ड्रग डेवलपमेंट हमारे टीम हैं जो ड्रग को डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट मतलब है कि इसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट बोलते हैं। प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट का मतलब है कि जब हम स्टडी क्या करेंगे, एनिमल पे करेंगे। तो मान लीजिए कोई ड्रग हमने खोजा, ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रग कोई खोज लिया। खोजने के बाद क्या किया, इसका पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसका प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करेंगे। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो होती है हमेशा होती है एनिमल्स के ऊपर होती है। ठीक है, एनिमल्स पे किए, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिनिकल स्टडीज़ करेंगे। क्लिनिकल स्टडीज़ करने के बाद अगर आपका सही है, क्लिनिकल स्टडीज़ जो होती है टोटल 4 फेज में होती है, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तब इसको आपके लिए मार्केट में लाने के लिए अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, जब भी हमारी नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट मतलब स्टडीज होती है, हमेशा जो होती है एनिमल्स के ऊपर ही किया जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई नए ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं, उस ड्रग का पहले हम एनिमल्स पे करेंगे, तब उसके बाद ह्यूमन पे करेंगे। इससे मतलब कि रहे कि जो हमारी ड्रग है ये एकदम सेफ रहे और इफेक्टिव रहे। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज जो होती है थ्री वेज में होती है। पहला हमारा होता है इन सिल्को। इन सिल्को का मतलब होता है पहले हम क्या करते हैं कि जो ड्रग की स्टडीज करते हैं, इसमें हम पहले कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो ड्रग की स्टडी हम करते हैं इन वीवो करते हैं, मतलब कि विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन विट्रो, फिर हम ड्रग की जो स्टडी है वह आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर करेंगे, मतलब कि विद इन द ग्लास। ठीक है, यही है फिर इसकी डिफिनेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं इसका गोल्स क्या है, नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट का गोल क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम नॉन क्लिनिकल स्टडी करते हैं तो इससे जो हमारी जो बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग की, सेफ्टी है ड्रग की, इससे हम इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, और जो मान लीजिए इसको अगर हम पहले ह्यूमन पे ही कर दिए, तो मान लीजिए ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसलिए हम क्या करते हैं, पहले उस पर एनिमल पे करते हैं, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, मैन के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ गोल्स लिखे गए हैं, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं कि जो हमने ड्रग खोजा है, ठीक है, जो भी हमने ड्रग को डिस्कवर किया है, उस वह कोई मतलब कि कार्सिनोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब है कि कैंसर तो कॉज नहीं कर रहा है, इसके द्वारा हम जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के द्वारा ही हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ भी हम यहीं पे कर लेते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी में, मतलब टॉक्सिक जो हमारी ड्रग है कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दे रही है, और इस पर हम क्या करते हैं, जो जीनोटॉक्सिसिटी है यहाँ पे भी हम इसका स्टडी कर लेते हैं, मतलब जीनो
टॉक्सिकोलॉजी, जीनोटॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी मतलब कि जो हमारी ड्रग है यह कोई हमारे जीन्स पे तो इफेक्ट नहीं डाल रही है, तो इसकी स्टडी भी हम यहीं कर लेते हैं। और जो ड्रग हमारी है, ड्रग में हमारी इम्प्योरिटीज तो कोई नहीं है, ठीक है। यह प्री क्लिनिकल स्टडीज के दौरान ही यहाँ पे सब इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारा जो एक्सपियंट है यह सेफ है कि नहीं, फॉर्मुलेशन के लिए जो हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं यह वाकई में अच्छा है कि नहीं, ये सब हम क्या कर लेते हैं यहीं पे पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले मान लीजिए हमने क्या किया, कोई हमने न्यू एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो पहले खोजा, ठीक है, खोज लिया हमने, तो इसका पहले क्या करेंगे हम इन विट्रो टेस्टिंग करेंगे कि मतलब ये सेफ्टी है और इफ़िकेसी इसका है कि नहीं, मतलब सेफ्टी है और ये एकदम इफेक्टिव है, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करेंगे। प्री क्लिनिकल स्टडी मैंने बताया कि इसका हम इन विट्रो टेस्ट मतलब एनिमल के ऊपर करेंगे, ठीक है, इन विट्रो टेस्ट मतलब कि एनिमल के ऊपर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो होता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, मतलब कि यहाँ पे हम इसके बाद क्या करते हैं क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रग की खोज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे उसकी सेफ्टी और इफिकेसी को चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करेंगे मतलब कि एनिमल के ऊपर स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे क्लिनिकल स्टडीज तब ह्यूमन के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी जो आता है, आप फार्माकोलॉजी पढ़ते ही चले आ रहे हैं। फार्माकोलॉजी मतलब होता है कि फार्मा मतलब होता है ड्रग, लॉजी मतलब स्टडी, जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में दो चीज़ आता है, एक हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक, हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माको जो काइनेटिक आता है इसमें हम ADME मतलब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ये सब आपको पता होगा, इसमें कुछ करना नहीं, एग्जाम में आते भी नहीं है ये सब, ठीक है। बस आपको नोट्स यहाँ पे बना लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और नोट्स अपना लिख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी आप पढ़े होंगे, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब हमारा कोई पोलर ड्रग कन्वर्ट हो जाता है नॉन पोलर ड्रग में, तो उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म आप पढ़े होंगे दो टाइप का होता है, एक हमारा कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म देख लीजिए, मेटाबॉलिज्म ये हमारा हो गया, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हैं, एक कैटाबॉलिज्म एक हमारा है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जब मान लीजिए कोई हमारा कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स है इसको हम जब तोड़ के कर देते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म उसको बोलते हैं इसी का उल्टा, जब छोटे मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स में, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो हमारा यही था इसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा लास्ट इसमें टॉपिक है, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, ठीक है। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स मतलब कि हमारा जो ड्रग है, ठीक है, इसमें कोई जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। द टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडी आर परफॉर्म बाय द एडमिनिस्ट्रिंग डोज लेवल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स टू टेस्ट स्पीसीज इन वेरियस डोजेस ग्रुप टू कोरिलेट द ऑब्जर्व टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब जब हम कोई ड्रग मान लीजिए कोई ड्रग हमने खोजा, ठीक है, उसका उसको जब हमने लिया एडमिनिस्टर किया, तो उसमें देखते हैं कि जो हमारी ड्रग है या क्या कोई टॉक्सिक इफेक्ट, कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दिख रहा इससे, तो यही सब इसमें क्या करते हैं हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे जनरल कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।